Hello and welcome to the class. So today I am here to discuss about Transfer Property Act 1882. Transfer of Property Act 1882 में हमने अपने previous lecture में जो अब तक के हमारे TPE के जो भी हमारे lecture हुए हैं उसमें मैंने जो last topic आपको discuss कराया था, जो last 2 days से मैं आपको करा रही हूँ, वो मैं करा रही हूँ आपको the rights of the mortgagee, यानी कि rights of the mortgagee, यानी कि जो mortgagee है, जो बंधकदार है, उसके क्या अधिकार होते हैं, वो rights मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो जो राइट्स वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे वो हमने स्टार्ट कर दिए थे 65 से लेके और 60, ये अबाउट ज़्यादा 75 तक, लेकिन लास्ट टू सेक्शन 74 एंड 75 अकॉर्डिंगली टू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1929 उसे अब रिपील कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया 1929 के अमेंडमेंट एक्ट से। तो अब हमें पढ़ने हैं लास्ट टॉपिक, कौन सा लास्ट टॉपिक, इसका जो राइट्स ऑफ मॉर्गेजी है उसका लास्ट टॉपिक अब हमारा बचा हुआ है, उस लास्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है सेक्शन 70, सेक्शन 71, सेक्शन 72 एंड सेक्शन 73। जैसा मैंने आप लोगों को बताया 74 और 75 रिपील कर दिया गया, तो उसको अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है तो बचे हुए अपने कुछ सेक्शन है इस टॉपिक के, लास्ट टॉपिक के सेक्शन है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं लगे। चलिए बने रहिए मेरे से वीडियो में। देखिए सेक्शन 70 कहता है असिशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। क्या कहता है? असिशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अब आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद होगा कि हमने असिशन और कहाँ पढ़ा था, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं याद होगा। तो जिनको याद है उनके लिए तो वेल डन, और जिनको जिनको याद नहीं है उनको मैं बता दूँ सिमिलर सेक्शन हमने पढ़ा था 63, वहाँ हमने राइट्स पढ़ रहे थे। जब हम किसके राइट्स पढ़ रहे थे? जब हम राइट्स पढ़ रहे थे राइट्स ऑफ मॉर्गेज, बंधक कर्ता की राइट से हम पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था सिमिलर सेक्शन असिशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी 63, ठीक है। क्या कहता है 70, सेकंड 70 और सेकंड 63 में सिमिलर बात ये है कि अगर प्रॉपर्टी में कोई भी इंक्रीजमेंट होता है, कुछ भी इंक्रीज होता है, तो उसको कौन रखेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अगर वो चीज़, अगर जैसे मॉर्गेजी की पोजीशन में उस समय जो प्रॉपर्टी है, अगर मॉर्गेजी की पोजीशन में प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेजी उसका यूज़ करेगा, यूज़ करता रहेगा। फिर उसके बाद कंडीशन बनती है कि अगर वो प्रॉपर्टी जब मॉर्गेज जब इसका रिडीम कराता है, मॉर्गेजर रिडीम कराता है, तब उसका क्या होगा, जो इंक्रीजमेंट हुआ है उसका क्या होगा। दो बात निकल के आई थी, अगर सेपरेबल वाली चीज़ है तो सेपरेट कर दिया जाएगा, और मॉर्गेजी जो होगा अगर उसने उसको एसेशन किया है, उसको इंक्रीज किया है, तो वो ले जाएगा अपने साथ। अगर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता तो मॉर्गेजर के राइट्स बनते हैं कि मॉर्गेजर उसको ले ले। वही सेम बात करता है सेक्शन 70, असिशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी में कोई भी असिशन होता है, कुछ भी होता है, तो मॉर्गेजी का राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को रख ले, उस जो भी इंक्रीजमेंट हुआ है उसको अपने पास ही रख ले। तो सेक्शन 63, सेक्शन 70 इसमें कर लिख लीजिएगा, ऑब्लिक करके हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, सेक्शन 63 और सेक्शन 70 एक साथ हमें पढ़ना है। अगर हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है असिशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी का ऑप्शन वहाँ पे आता है सेक्शन 63, सेक्शन 64, 65, 68, तो आपको सेक्शन 63 लगाना है। वही अगर, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, अगर आते भी हैं तो क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में यहाँ पे पूछने के लिए यहाँ पे मॉर्गेजर और मॉर्गेजी वर्ड को इंक्लूड जरूर किया जाएगा। इतनी बात आप लोगों को याद समझ में आ गई। चलिए सेक्शन 71 कहता है रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज, रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो लीज की प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या लीज की प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी की जो नेचर है वो ऐसा है कि उसे रिन्यूअल कराया जा सकता है, क्या नेचुरली उसका क्या है, रिन्यूअल कराया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको रिन्यूअल कराया जा सकता है, तो वहाँ पे राइट होगा किसका, मॉर्गेजी का राइट होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को रिन्यूअल करा ले। कैसे करा ले? चाहे तो वो अपने जो भी उसका जो पेमेंट करना है उसको कर दे, और उसको क्या करे, प्रिंसिपल मनी के संग उसको ऐड कर दे। कौन से प्रिंसिपल मनी? जो मॉर्गेज मनी है उसके संग उसको ऐड कर दे और उसको रिन्यूअल करा ले, ठीक है। तो क्या बात आता है, किसका राइट हो गया ये भी हमारा, ये भी राइट हो गया हमारा मॉर्गेजी का राइट। क्या राइट हो गया? कि प्रॉपर्टी को रिन्यूअल कराना। कैसे? अगर लीज की प्रॉपर्टी है तो, एक्सक्यूज मी। चलिए सेक्शन 72, इसके लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, टिपिकल तो नहीं कह सकते इसको, थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें क्या है, लॉ के चीज़ है, लॉ के बात, लॉ वाली चीज़ अगर लिखी जाती है
और बीएड जब तैयार किया था थोड़ी सी हॉचपॉच उस सेक्शन में आप कर ही देते हो। तो सेक्शन बहुत इजी सा है, सेक्शन बहुत इजी सी बात कर रहा है, लेकिन जब हम बीएड उठा के बैठेंगे ना पूरे पेज पे एक ही सेक्शन लिखा हुआ है और वो इतना ज़्यादा घुमा फिरा के बात लिखी गई है, लेकिन उसका जब हमने कंक्लूजन निकाला तो ये निकला कि सेक्शन बहुत ईजी है, उसे हम कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो चलिए करके देखते हैं क्या है। राइट्स ऑफ मॉर्गेज इन पजेशन, इन पजेशन मीन्स मॉर्गेज प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेजी के पजेशन में है, क्या पजेशन में है तो क्या होगा। अब मान लीजिए इस प्रॉपर्टी पर राइट टू मॉर्गेजी इन पजेशन, अगर प्रॉपर्टी कोई पजेशन में है तो क्या होता है कि जो जब भी कुछ प्रॉपर्टी पे कुछ भी डिस्ट्रॉय होता है या उसका कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या होता है, उस प्रॉपर्टी की देखरेख कौन कर रहा होता है उस समय, मॉर्गेजी कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, मॉर्गेजी कर रहा होता है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका चुपता कौन करेगा, मॉर्गेजी करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्या कौन करेगा, मॉर्गेजी करेगा। अब बात आती है कि अगर मॉर्गेजी करेगा तो कितना करेगा, तो उन्होंने बताया यहाँ पे सेक्शन के अंदर बताया कि मॉर्गेजी जो प्रिंसिपल मनी होगा उसका उसके अकॉर्डिंगली करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो प्रिंसिपल मनी के ऊपर इंटरेस्ट कुछ लग रहा है उस चीज़ का तो वो इंटरेस्ट पे करेगा। अगर वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं लिखी हुई है तो वो कितना करेगा, 9% ऑफ द प्रिंसिपल मनी, 9% ऑफ द प्रिंसिपल मनी, ठीक है, 9% प्रिंसिपल मनी का वो पे करेगा। कौन करेगा, मॉर्गेजी करेगा। अगर उसके पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय होता है, प्रॉपर्टी में कुछ भी ह्रास होता है तो उसका कितना करेगा, 9% ऑफ प्रिंसिपल मनी। अब 9 या जो इंटरेस्ट उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रखा होगा, ठीक है, इन्होंने जो डील बनाई होगी उसके अंदर जो कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली ये करेगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी। अब इस सेक्शन के अंदर 5 सबसेक्शन दिए हुए हैं, 5 सबसेक्शन दिए हुए हैं। 5 सबसेक्शन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पहले तो ये कि जो इसका सबसेक्शन 1 है यानी कि सबसेक्शन ए है, वो कहता है क्या कि मैं रिपील हूँ। मैं क्यों रिपील हूँ, क्योंकि मुझे अमेंडमेंट 1929 के द्वारा मुझे रिपील कर दिया गया, यानी कि मुझे यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। अब जब इतनी बात हो गई कि ए को तो हटा दी तो बच्चे कितने, 4। अब वो 4 जो बचे हुए हैं उनको वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पहली बात मैंने जो आपकी सपोर्ट के लिए आपके हेल्प के लिए जो वर्ड्स थे उनको लिख के लिख दिया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर आप इन वर्ड्स को याद रख लोगे तो आपको पूरा सेक्शन याद हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा सेक्शन याद करना है तो इन वर्ड्स को कैच करिएगा। पहला उन्होंने बताया, सेकंड में बी प्रिजर्वेशन, यानी कि अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी है तो उसको प्रिजर्व कौन करेगा, वो मॉर्गेज ही तो करेगा, उसका तो राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को क्या करे, प्रिजर्व करे। अगर प्रॉपर्टी को कोई डिस्ट्रॉय होती है, उसमें कोई डेप्रिशिएशन होता है या उस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी को पजेशन में कोई और लेता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसको प्रिजर्व करने का राइट किसका राइट होगा, वो राइट होगा हमारे मॉर्गेजी का, जिसने प्रॉपर्टी को अपने पास बंधक रखा हुआ है उसका ये राइट होगा कि आप इसको प्रिजर्व करें, ठीक है, ओके। दूसरी बात सपोर्टिंग, अब सपोर्टिंग वर्ड क्यों आया, कि उस प्रॉपर्टी को सपोर्ट करना है, कैसे सपोर्ट करना है, जैसे मान लीजिए उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कर्जा है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई और रिवेन्यू जा रहा है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई और सरचार्ज लगे हुए हैं, तो उस सबको सपोर्ट करना है, उसका प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है उस इनकम के अकॉर्डिंगली आपको पे करना है और अपना यानी किसका जो मॉर्गेजी का जो मनी है उसको भी रखना है, ठीक है। तो सपोर्ट करना है उस प्रॉपर्टी को कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डाउन ना जाए, उस प्रॉपर्टी को इंसॉल्ट नहीं किया जाए, उस प्रॉपर्टी का क्या रहे, वैल्यू अप होती रहे, तो उसको सपोर्ट करते रहना है और उस प्रॉपर्टी को क्या करना है, अपने यूज में भी लेना है, तो ये राइट किसका होगा, ये भी मॉर्गेजी का राइट होगा। फिर उन्होंने बताया मेकिंग हिज ओन टाइटल, क्या मेकिंग हिज ओन टाइटल, इसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। देखिए क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी का ओनर होता है, जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है वो कौन है इस समय यहाँ पे, इस समय तो यहाँ पे ओनर तो देखिए कौन होगा, बेसिकली जब तक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना किया जाए तब तक वो ओनर कौन रहता है, जिसकी वो प्रॉपर्टी पहले से है, मींस यहाँ पे जो मॉर्गेजर है वो ही इसका ओनर होगा। अभी मॉर्गेज इसका ओनर नहीं है, टाइटल उसने ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट उसने ट्रांसफर किया, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर कभी भी हम मॉर्गेज मनी में नहीं करते, मॉर्गेज में हम कभी भी क्या करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते। तो ओनर कौन होगा, ओनर होगा हमारा मॉर्गेजर, और जो मॉर्गेज को जो
ट्रांसफर किया गया वो क्या किया है, सिर्फ टाइटल दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है मॉर्गेज में क्या क्या ट्रांसफर होता है। अगर वहां पे आपको ऑप्शन दिखता है ओनरशिप, तो गलती से भी उसको टिक मत करके आइएगा, ठीक है, क्योंकि ओनरशिप यहाँ पे कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये कहता है कि मेकिंग हिज ओन टाइटल, अब क्या इन्होंने अपना जो टाइटल बनाया हुआ है, जो टाइटल उसको दिया गया है, उसको बनाए रखे, मीन्स अब ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर्टी को क्या हो, कोई जब्त कर ले, वो प्रॉपर्टी को सरेंडर करना पड़े या प्रॉपर्टी को इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसका टाइटल जो है ओनरशिप ओन टाइटल को बना के रखना है। यहाँ पे किसको बना के रखना है, ये राइट किसका राइट होगा, ये राइट होगा हमारे मॉर्गेजी का राइट, ओके, ये किसका राइट होगा, मॉर्गेजी का राइट होगा। उसके बाद रिन्यूअल लीज होल्ड, अगर कोई प्रॉपर्टी लीज पर है और लीज होल्ड की प्रॉपर्टी है तो उसको रिन्यूअल कराने का भी राइट, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो किसका राइट होगा, मॉर्गेजी का राइट होगा, कब तक, जब तक वो प्रॉपर्टी उसकी पजेशन में है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कोई सरचार्ज लगता है, कोई चार्ज लगता है, कुछ भी होता है, वो कौन पे करेगा, वो उसमें लिख लिया जाएगा और बता दीजिएगा कि इतना लगा है इतना प्रॉपर्टी में से, तो ये जो प्रॉपर्टी पे जो लगेगा वो कौन पे करेगा, वो नेचुरली जो करना किसको चाहिए, ओनर, ओनर कौन होगा हमारा, मॉर्गेजर, उसको ही करना पड़ेगा, तो वही वो करेगा, ठीक है। इसमें तो क्या प्रिजर्वेशन सपोर्टिंग मेकिंग लोन टाइटल रिन्यूअल लीज होल्ड, ये सारे काम किसके किसके राइट्स होते हैं, ये सारे के सारे राइट्स होते हैं किसके, ये राइट्स होते हैं मॉर्गेजी के, किसके राइट होते हैं, मॉर्गेजी के राइट होते हैं, ठीक है। देखिए रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज हमने 64 में पढ़ा था, तो इसको एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको हमें रीड विद सेक्शन 64 भी करना पड़ेगा, सेक्शन 672 समझ में आ गया, राइट ऑफ मॉर्गेज इन पोजीशन, अगर पोजीशन में तो प्रॉपर्टी की देखने को उसे करनी ही करनी है, ये राइट्स उसका बनता है। अब बात करते हैं सेक्शन 73, एंड ऑफ द टॉपिक, राइट्स टू प्रोसीड ऑफ रिन्यूअल सेल एंड कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन। अब मान लीजिए कि प्रॉपर्टी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर क्या हो रहा है, रिवेन्यू सेल के बात आ जाती है, रिवेन्यू सेल मीन कि मान लीजिए कि प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि जिसके ऊपर पब्लिक चार्ज बना हुआ है, जिसके ऊपर सरचार्ज लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यानी कि पब्लिक के किसी राश में या प्रॉपर्टी के पब्लिक के किसी उसमें आ गई और उसके ऊपर चार्ज लग गया है, तो उसका रिवेन्यू प्रॉपर्टी को अगर सेल किया जा रहा है और उससे रिवेन्यू लिया जा रहा है, किस कौन ले रहा है, गवर्नमेंट अगर उससे रिवेन्यू ले रही है, समझ में आई आपको, नहीं आई, देखिए इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें कोई ऐसा लॉस हुआ है जिसमें क्या हो, उस प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ रहा है, क्यों, कौन सेल कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर वो उसको सेल कर रही है तो उससे किस क्यों सेल करेगी, क्योंकि उससे रिवेन्यू लेना है, रिवेन्यू अगर यहाँ पे उसको लेना है तो वो प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद, मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत है 12 लाख रुपए, प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है 12 लाख रुपए, जिसमें से 10 लाख रुपए क्या है, 10 लाख रुपए क्या है, इसका रिवेन्यू लेना है गवर्नमेंट को, किससे लेना है, उस प्रॉपर्टी से लेना है, तो प्रॉपर्टी सेल करी 12 लाख में प्रॉपर्टी सेल हुई तो 10 लाख रुपए तो गवर्नमेंट ने ले लिए, ठीक है, 10 लाख रुपए किसने ले लिए, गवर्नमेंट ने लिए, बचे 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए किसके पास जाएंगे, वो 2 लाख रुपए जाएंगे हमारे किसके पास, मॉर्गेजी के पास, वो अपने जो भी मॉर्गेज बनी होगी उसको काट लेगी, बाकी का बचा हुआ उस प्रॉपर्टी के ऊपर चलने लगेगा, यानी कि वो क्लेम करने के लिए लायबल रहेगा कब, जब वो रिवेन्यू को दे देगा, ठीक है। और कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन, अब मान लीजिए कोई लोकल एक्ट उस प्रॉपर्टी पे लागू हो जाता है, कोई लैंड रिवेन्यू एक्ट, कोई लैंड लॉस पे लागू हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या होगा, उस प्रॉपर्टी के जो एक्विजिशन जो हो रही है, उस एक्विजिशन को कंपनसेशन को करने के बाद जो प्रॉपर्टी में पैसा बचेगा, वो पैसा कौन लेगा, मॉर्गेजी लेगा, ये राइट किसका होगा, यानी कि मान लीजिए उस लैंड वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो गवर्नमेंट उसको प्रॉपर्टी को लेती है और उस प्रॉपर्टी में से जो चुकता होता है वो करवा लिया जाता है, ठीक है, और चुकता होता है वो करवा लिया जाता है, बाकी का बचा हुआ जो पैसा, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया यहाँ पे 2 लाख रुपए जो बचा हुआ है वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा हमारे मॉर्गेजी के पास, और वो एक स्लिप बना के पकड़ा देगा किसको, मॉर्गेजर को, कि ये लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज प्रॉपर्टी के रूप में रखी हुई थी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज था बाय द इंडियन गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और उस चार्ज के अकॉर्डिंगली मैंने आपको पेमेंट जो मैंने सरकार को पेमेंट कर दिया उस प्रॉपर्टी को सेल करके, बाकी का बचा हुआ जो मेरे मॉर्गेज मनी था वो मैंने रख लिया, अगर
वो मैंने रख लिया और बाकी का जो बची हुई स्लिप है वो आपके हाथ में, ये आपकी प्रॉपर्टी गई क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज। तो अब जो मेरा पैसा बच रहा है, जो मेरा पैसा निकल रहा है वो और आप पे कर दीजिए, ठीक है। तो ये सेक्शन बात करता है यहाँ पर राइट्स ऑफ द मॉर्गेजी की। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। सेक्शन 73 की लैंग्वेज थोड़ा सा और क्या कह दिए, देखिए सेक्शन 73 की लैंग्वेज कहती है राजस्व के लिए किए गए विक्रय आगमों पर अर्जुन पर प्रतिक्रय अधिकार, जहाँ की बंधक संपत्ति है उसका कोई भाग या उसमें कोई हित ऐसी संपत्ति के बारे में राजस्व की बकाया लोक प्रकृति के अन्य प्रभार और सौदे भाटक देने में असफलता के कारण बेचा जाता है, और ऐसी असफलता बंधकदार के किसी व्यतिक्रम से ही उत्पन्न हुई है। किसके लिए व्यतिक्रम से उत्पन्न हुई है, उत्पन्न नहीं हुई है सॉरी, मॉर्गेजी के अकॉर्डिंग मॉर्गेजी के किसी ऐसे ऐसे काम से उत्पन्न नहीं हुई है, वहां बंधकदार उस बकाया की और विधि द्वारा निर्दिष्ट सब प्रभारों कटौती के संदर्भ के पश्चात विक्रय आगामों में से जो कुछ अधिशेष रहे उसी में से बंधक धन की पूर्णता या भाग का दावे का हकदार होगा, यानी कि उसको सेल करने का हकदार होगा, ठीक है। वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि क्या होगा, जो गवर्नमेंट का पे होगा उसको करने के बाद क्या होगा, उस प्रॉपर्टी का जो बचा कुछ होगा वो मॉर्गेजी के पास जाएगा, जो स्लैब जो रिसीट बचेगी वो किसके पास जाएगी, मॉर्गेजर के पास जाएगी। तो ये राइट्स थे हमारे, किसके मॉर्गेजी के राइट्स। होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे, आपने कनेक्टिविटी की होगी क्योंकि आज के क्लास का मेन मोटिव था कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इन द सेंस कि आप लिंकिंग करना सीखिए ना। सेक्शन 70 हमने पढ़ा असेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, अब असेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी हमने 63 में भी पढ़ा और हमने 70 में भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज, हमने राइट्स किसके भी पढ़े थे, हमने मॉर्गेजर के भी पढ़े थे और हमने मॉर्गेजी के भी पढ़े। मॉर्गेजर के कहाँ पढ़े, 64 में, और मॉर्गेजी के हमने कहाँ पढ़े, 71 में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ये बिल्कुल अलग से टॉपिक और ये बिल्कुल अलग से टॉपिक, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, अगर आ गई हो तो वीडियो को थम्स अप यानी कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर कुछ क्वेरी है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सबका सम्मान कीजिए और सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। कीप स्माइलिंग।